अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शिजाब कैसी है? ठीक है। सलाम तो करें। अस्सलाम वालेकुम। सही से बताओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा चलो आप लोग बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज शिजा का पता नहीं क्यों मूड ऑफ है। शिजा अच्छे से बात ही नहीं कर रही। शिजा अच्छे से बात करते हैं ना? सही से ऐसा मुंह है शिजा का? नहीं, शिजा का मुंह तो बहुत प्यारा है। नहीं दिल चाह रहा बात करने का? अच्छा दिखाओ आप किस चीज से खेल रही हो। दिखा दो। ये क्या है? इनका नाम क्या है? नहीं बताओगी? और अब्दुल सुभान आप ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। आज असल में अब्दुल सुभान ना एक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं आप सबको। बहुत प्यारी आवाज़ है। अब पता नहीं, मैं तो माँ हूँ ना तो मुझे तो अच्छी लग रही है। अब आप मुझे बताइएगा कि इसकी आवाज़ प्यारी है या नहीं है ना? तो अब्दुल सुभान नहीं प्यारी है। क्या आवाज प्यारी नहीं है भाई की? भाई सॉन्ग नहीं सुनाए? क्यों, आपकी कोई लड़ाई हुई है भाई से? सीधे बैठो। वो गुस्सा करता है। क्या करता है? गुस्सा करता है। और आपको डांटता है भाई? मारता भी है। सब मैं भाई की क्लास लेती हूँ अभी। भाई को अच्छा से सॉन्ग सुनाने दो, फिर उसके बाद हम भाई की क्लास लेंगे, ठीक है? डैडी को भी बोलेंगे, डैडी भी भाई को डांटेंगे। चलो सुनाओ अच्छा सा सॉन्ग। घबराओ नहीं, सुना दो, सब अपने ही हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to break, but that's all right. अच्छा वो दूसरा वाला सुनाओ। वो मेरा नहीं आता। थोड़ा सा सुना दो, वो अच्छा सुनाते हो, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। First thing first, I must say all the world I am say. I'm fired, I'm tired of the way the things are being up. Ooh, the way the things are being up. Ooh. Second thing second, would you tell me I can be? I'm the one, I'm the same of the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh, I was broken from a young age, taking my message. बहुत अच्छे भाई, थोड़ा सा सुनाया है लेकिन अच्छा सुनाया है ना। खैर ये तो लगे रहेंगे। अच्छा चलो अब ये कहना चाह रही है कुछ, बोलो बोलो क्या? फिर आगे चुन्ना एक दाने पे फिसला। चुन्ना एक दाने पे लपका। अच्छा लपका, सॉरी मम्मा गलत है, ठीक है लपका। आगे आगे सुनाओ। मुन्ने ने एक कीड़ा देखा। अच्छा मोटा एक पतला, वो एक दाने पे लपका। अच्छा और वो कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई? इतनी जल्दी खत्म हो गई आपकी कहानी? ये तो पूरी पोएम आपने सुना ही नहीं। हाँ अच्छा रेन रेन गो अवे सुना दो। अम्मा ये जल्दी खत्म हो गई। अच्छा रेन रेन गो अवे सुना दो। रेन रेन गो अवे कम अनदर कम अगेन अनदर डे। अब ये पोएम इसको पूरी तरीके से याद नहीं है ना? चलो पूरी तरीके से याद हो जाएगी ना, फिर अपने फ्रेंड्स को सुनाना, ठीक है? अच्छी बच्ची हो, स्कूल जाने की तैयारी कर रही है ना मेरी बेटी।
अभी तो पोम्स वगैरह थोड़ी थोड़ी याद कर रही है। आगे से देखो ये बाल बड़े हो गए ना, अब हम ये भी कट करवा देंगे, ठीक है शिजु के? नहीं। फिर क्यों? पर ही आते बाल। नहीं आएंगे, गंजा नहीं करवाएंगे ना हम, हम सिर्फ थोड़े से कटिंग करवाएंगे जो आइस पे आते हैं ना आगे। ठीक है। ठीक है। और ये हो गई बच्चों की छोटी मोटी बातें, और बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ थोड़ा सा। और फिर हम किचन में आ गए थे और मैंने जो है वो जल्दी जल्दी खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया था। मैं अपने हस्बैंड को जो है वो हॉस्पिटल लेकर गई थी, आज उनका रूटीन चेकअप था। और हम गए तो पता चला, घर से तो हम कॉल करके हमेशा जाते हैं, तो घर तक तो कह रहे थे कि डॉक्टर आएंगे आज ओपीडी करेंगे, बट हम जब हॉस्पिटल में गए तो लास्ट मोमेंट पे पता चला कि डॉक्टर जो है वो नहीं आ रहे हैं और जो है वो आज ओपीडी नहीं करेंगे। और फिर हमें और गुस्सा आया, क्योंकि हम जो है वो गुलशन इकबाल जाते हैं, हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी दूर है और जी ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते, उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद ये शुक्र है कि दूसरे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे हस्बैंड को ऑपरेट किया था, फिर हमने उन्हीं को चेकअप करवा लिया। फिर उनको ये भी कहा हमने कि हम जिनके लिए आए थे डॉक्टर के लिए वो तो आज मौजूद ही नहीं, उन्होंने आकर ओपीडी नहीं की, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप हमें बता दिया करें जब हम कॉल करते हैं तो कि आज डॉक्टर ने आना है या नहीं आना। बस शुक्र है अल्लाह का कि जो है वो चेकअप हो गया था मेरे हस्बैंड का, और जो है वो दवाइयाँ वगैरह जो भी डॉक्टर ने चेंज करनी थी वो सब कर दी। और बस फिर मैंने सोचा कि अब घर आकर बहुत देर हो गई थी तो क्या बनाऊँ, और बच्चों को भूख भी लग रही थी तो जल्दी जल्दी बस मुझे आसान लगा चिकन कढ़ाई बनाना। मैंने जो है वो जल्दी से चिकन कढ़ाई बना ली और साथ ही मैं दूध बॉईल करने रख दिया। फिर खाना जल्दी जल्दी रेडी हो गया, क्योंकि बच्चे जो है वो ट्यूशन में थे जब मैं गई थी तो उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ था, तो बस फिर रात का खाना मैंने उनको जल्दी ही दे दिया कि बस आप लोग खा लो। और यहाँ बच्चे बस खाना खा ही रहे थे, और शिजा मैडम जो है वो आदत के मुताबिक खाने के टाइम पर मौजूद ही नहीं थी, अपनी ताई अम्मा के घर पर थी, उसने खाना बाद में खाया। और जो है यहाँ पर अब्दुल सुभान जो है वो 2-3 दिन पुराना कोरमा खा रहे थे, क्योंकि इनको बड़ा ही पसंद है कोरमा। यासीन जो है वो चिकन कढ़ाई अच्छी लगती है, सुभान को भी अच्छी लगती है, बट सुभान को सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो कोरमा अच्छा लगता है। और बस आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।